हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप IRCTC के अकाउंट में यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको एक मिनट में रिकवर कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं दीपेन, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CP ज्ञान में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कॉन्टेंट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यदि भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट करके किस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आप IRCTC का नया अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें, और बहुत ही आसानी से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। लेकिन यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनने पहले कभी अपना अकाउंट बनाया था लेकिन अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं। IRCTC में यदि आपने मोबाइल नंबर एक बार यूज कर लिया है, ईमेल आईडी एक बार यूज की है, तो उस आईडी और मोबाइल नंबर से आप फिर कभी दोबारा अकाउंट नहीं बना पाएंगे, आपको उसी को रिकवर करना पड़ेगा। तो जानते हैं प्रोसेस किस तरीके से। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, तो आप मेरा मोबाइल देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करना है। इसके बाद ये जो लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है ऊपर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉरगेट अकाउंट डिटेल ये जो दिखाई दे रही है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके से ये लिख के आ जाएगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है एंटर IRCTC यूज़र नेम। यदि आपको यूज़र नेम पता है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं पता है, तब भी आप रिकवर कर सकते हैं। अथवा आपको ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया था, यदि वो मालूम है, यदि आपको ईमेल आईडी पता है, तब भी आप अपना अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यदि आपको मोबाइल नंबर ही पता है, आपको यूज़र नेम और अपना ईमेल आईडी भी नहीं पता है कौन सा आपने लगाया था, तो मोबाइल नंबर तो पता होगा ही, आप मोबाइल नंबर से भी आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए, जानते हैं किस तरीके से हम इसको रिकवर करें। इस पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे और इंटर कैप्चा जो लिखा हुआ है इस पर हम कैप्चा डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो मैं इस पर डालता हूँ मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, और इस पर लिख कर भी आ जाए यूजर नेम एंड OTP आर सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पर कुछ देखिए इस तरीके का मैसेज आएगा। इस मैसेज में आप देखेंगे यूजर नेम और आपका एक OTP रहेगा, और उस OTP को आपको यहाँ पर जो फॉरगेट अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर आप उस OTP को लिखेंगे। इसके बाद यदि OTP प्राप्त नहीं होता है, रिसेंड OTP पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद न्यू पासवर्ड, आप अपना एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ नीचे कन्फर्म पासवर्ड इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आप इसमें सेम टू सेम लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप जो नया पासवर्ड है, आप इस नए पासवर्ड को जो यूजर नेम आपके ईमेल पर भेजा गया है या SMS पर भेजा गया है, उस यूजर नेम को और इस पासवर्ड को यूज करके आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं और उसमें लॉगिन हो सकते हैं। इसके बाद तो बहुत ही आसान तरीका है, आप यदि यूजर नेम आईडी, ईमेल आईडी या पासवर्ड या मोबाइल नंबर कुछ भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट करके आप तुरंत रिकवर कर सकते हैं इस तरीके से। यदि आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।